हेलो अभी सुबह के साढ़े दस बजे हैं आज सुबह भी मैं जल्दी उठ गया था तकरीबन आठ बजे क्योंकि अम्मी अबू ने आज भी किसी के घर जाना था काम से आ, तो सुबह मैं उठ के थोड़ी देर तो मैं मोबाइल फ़ोन पे स्क्रोलिंग करता रहा फिर मैंने यूट्यूब ऑन कर लिया काफ़ी दिनों से मैंने एक ड्रामा नहीं देखा था जो मैं अक्सर देखता हूँ कॉमेडी ड्रामा इंडियन भाभी जी घर पर हैं उसकी मैंने दो एपिसोड्स देखी काफ़ी फ़नी थी उसके बाद फिर मैं उठा मुँह हाथ धोया उस दौरान अम्मी ने नाश्ता भी बना लिया था फिर नाश्ता किया नाश्ते में अंडे अम्मी ने फ्राई किए थे वो खाए और कल की दाल पड़ी हुई थी दाल माश वो भी थोड़ी सी खाई विद रोटी एंड उसके बाद चाय पी फिर थोड़ी सी वॉक की एंड अभी थोड़ी देर पहले अम्मी अबू जो हैं चले गए हैं और वो दोपहर तक आ जाएंगे वैसे आज का मौसम भी बादल वाला है आ, कल जो है बादल बने थे थोड़ी बारिश हो रही थी आ, बट ज़्यादा बारिश नहीं हुई कभी बारिश होती थी कभी बंद हो जाती थी बट तेज़ बारिश नहीं हुई एंड अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी सुबह के टाइम बट फिर बंद हो गई एंड मुझे लगता है कि बारिश तो होगी एंड अभी भी मैं यही उम्मीद करूँगा कि अम्मी अबू तेज़ बारिश होने से पहले ही घर में आ जाएँ क्योंकि हमारी गली में पानी आ जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर बाहर नहीं जा सकते और अभी मुझे लगी हुई है प्यास तो पहले मैं पानी पी लेता हूँ लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है और इंटरनेट भी मेरा बहुत स्लो हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक घंटा तेरह मिनट ये दिखा रहा है अपलोडिंग टाइम ये बता रहा है हालांकि ये वीडियो भी कोई ज़्यादा लंबी नहीं है ऑलमोस्ट ये अंडर दो जी बी है और दस मिनट की ये वीडियो है आज तो मेरा इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है दो एम बी डाउनलोडिंग और दो एम बी अपलोडिंग है यूट्यूब पर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है ऑलमोस्ट साढ़े तीन घंटे लगे हैं वीडियो अपलोड होने में खैर आज मैं आपको कुछ सीरीज़ रिकमेंड करूंगा जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं एक सीरीज़ का नाम है जी आरकाईटी वन ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ है और दिमाग घुमा देने वाली सीरीज़ है आ, मुझे ये सीरीज़ बहुत पसंद आई थी इसके अलावा एक और सीरीज़ है जिसके बारे में शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ बट अगेन बता देता हूँ इस सीरीज़ का नाम है मिड मास इसमें एक फादर होता है जो कि बूढ़ा होता है काफ़ी वो चांदा गायब हो जाता है और उसकी जगह एक नया फादर आ जाता है और वो जवान होता है अमूमन जो है चर्च में प्रेयर होती है डे टाइम कुछ चर्चेज में रात के टाइम भी प्रेयर्स होती हैं बट ये जिस चर्च में होता है वो डे टाइम की प्रेयर बंद कर देता है और सिर्फ रात को ही प्रेयर करवाता है असल में होता क्या है जो फादर होता है वो वम्पायर बन जाता है और बूढ़े से जवान होकर वापस आता है एंड में लोगों को ये पता चल जाता है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये सीरीज़ है मुझे ये देख बड़ा मज़ा आया था और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा आप ये सीरीज़ ज़रूर देखना खैर मैं एक सीरीज़ वॉच कर रहा था उसकी दो एपिसोड्स रह गई हैं इस सीरीज़ का नाम है पैरासाइट द ग्रे ये भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ है कंप्लीट हो जाए तो इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा मैंने पीसी ऑफ ही की है तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई है अक्सर इस तरह होता है जब मैं वीडियोज़ बना रहा होता हूँ या वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और कभी कभी तो मेरा इंटरनेट भी बहुत ही स्लो हो जाता है वीडियो अपलोड ही नहीं होती खैर इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं कब आएगी अभी बाहर जाता हूँ देखता हूँ बारिश हो रही है या नहीं हल्की हल्की सी बारिश हो रही है बट ज़्यादा तेज़ नहीं है बस इसी तरह ही रहनी चाहिए जब तक हमी अम्बू घर वापस नहीं आ जाते जब हमी अबू घर आ जाए बेशक फिर खुल के बारिश हो इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई है वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि चार पाँच घंटों के बाद इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी बट ऐसा नहीं हुआ जल्दी आज इलेक्ट्रिसिटी आ गई ऑलमोस्ट पचास मिनट के बाद फिर मैं रूम में आ आया क्योंकि मैंने जो है सीरीज़ को फिनिश करना था जो मैं कल देख रहा था मैंने हेडफोन्स को पकड़ा स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए और मैंने नोटिस किया जो हेडफोन्स का लेदर है वो भी डैमेज हो चुका है वैसे मैंने दो दिन पहले भी नोटिस किया था कि जो हेडफ़ोन्स का लेदर है ये उधड़ भी गया है बट आज मैंने देखा कि लेदर जो है यहाँ से भी फट गया है और डैमेज हो गया है वैसे ये वाले हेडफोन्स सबसे महंगे हेडफोन्स हैं जो आज तक मैंने इस्तेमाल किए हैं ये ऑलमोस्ट वन फिफ्टी डॉलर्स के हैं और ए के जी के औरिजिनल हेडफोन्स हैं इसका ब्रांड नेम भी बहुत फेमस है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी अच्छी है बट मुझे नहीं लगता था कि ये जल्दी ख़राब होगा इसको मैं चार महीनों से यूज़ कर रहा हूँ रीज़न यही था जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी भाई की बच्ची ने एक दिन इसके लेदर के ऊपर ऊपर वाली साइड पर चक्कियाँ काट दी और तब से मैं इसको बेच नहीं पा रहा था तो मैंने सोचा मैं पर्सनली यूज़ कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया और बहुत एहतियात से मैं इसको यूज़ कर रहा था मैंने पूरी कोशिश की कि इसको बचा के रखूँ बट दो दिन पहले मैंने देखा कि इसका लेदर जो है वो उसकी सिलाई उधड़ चुकी है एंड एक टाइम पर तो मैंने ये सोचा कि शायद भाई की बच्ची फिर मेरे रूम में आती रहती है शायद वो उसने आकर फिर छेड़खानी की होगी और लेदर को जो है बाड़ दिया होगा उसकी सिलाई को ढेर दिया होगा लेकिन कल जो है दूसरी साइड से भी जो लेदर की सिलाई है वो उधड़ गई थी तो फिर मुझे लगा कि शायद ये मुझे ही कांटे लगे हुए हैं और मेरी वजह से ही ऐसा होता है कि हेडफोन्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है या ख़राब हो जाते हैं या फट जाते हैं और इससे पहले भी मैंने काफ़ी हेडफ़ोन्स को यूज़ किया है और ज़्यादातर मैं हेडफ़ोन्स स्मार्टफ़ोन पर यूज़ करता हूँ पी वाला मेरा हेडफोन अलग से है और जितने भी स्मार्टफ़ोन वाले हेडफ़ोन्स हैं या तो वो ख़राब हो गए हैं या तार उनकी ख़राब हो गई है या फिर वो टूट गए हैं और मैं, मुझे यही लगता था कि वो शायद लो क्वालिटी के हेडफोन से इसलिए ख़राब हो गए थे और इस हेडफ़ोन से मुझे बहुत उम्मीद थी कि ये वाले हेडफोन्स ज़्यादा चलेंगे इनकी लाइफ ज़्यादा होगी बट इस हेडफ़ोन का लेदर भी यहाँ तो उधड़ चुका है या थोड़ा सा लेदर डैमेज हो चुका है खैर इसका जो अब लेदर है ठीक तो हो नहीं सकता वैसे मैं एक दफ़ा पहले गया था एक शॉप पर अपने ये वाले हेडफोन्स लेकर ये मेरे पीसी के हेडफोन्स हैं और ये वाद हेडफोन्स हैं जो मैं ऑलमोस्ट चार सालों से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक ठीक है बट इनका जो लेदर है यहाँ से भी फट गया था यहाँ से भी फट गया था यहाँ से भी फट गया था और एक शॉप पर मैं ले के गया था इनको इसका लेदर चेंज करवाने के लिए बट उन्होंने बोला कि लेदर हम इसको नहीं चढ़वा सकते आपको इसको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा और तब से मैं इसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और जो दूसरे हेडफोन जो ज़्यादा ख़राब हुए हैं मुझसे वो स्मार्टफोन के हेडफोन थे कोई भी हेडफोन छः महीने तक नहीं टिक पाया ये वाला हेडफोन वैसे अभी भी ठीक है लेकिन इसका लेदर ख़राब हुआ हुआ है खैर अभी मैं देखूँगा सीरीज़ जो मैंने फिनिश करनी है और ये थी आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में